उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक चलती एम्बुलेंस में बीमार पति के सामने महिला के साथ रेप की कोशिश की गई है। दरअसल महिला अपने भाई के साथ बीमार पति को लखनऊ से अपने गांव वापस ले जा रही थी। इसी दौरान एम्बुलेंस चालक और उसके साथी ने रास्ते में महिला से अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। यही नहीं, इसके साथ ही एम्बुलेंस कर्मी महिला का रेप करने की भी कोशिश करने लगे। बता दें कि हैरान कर देने वाला मामला सिद्धार्थनगर जिले से सामने आया है, जहां चलती एम्बुलेंस में पीछे पति जीवन के लिए जूझ रहा था, तभी आगे सीट पर उसकी पत्नी से निजी एम्बुलेंस चालक और उसके साथी ने चलती गाड़ी में शर्मनाक हरकत की। वहीं जब बस्ती में गाड़ी से उतरकर एम्बुलेंस चालक और उसके साथी ने महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश की और सफल नहीं हुए, तो पति का ऑक्सीजन मास्क निकाल कर फेंक दिया। उसे गाड़ी से उतार कर महिला के गहने और उसके पास नकदी लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि चालक और उसके साथी ने महिला के भाई को आगे की सीट पर बैठा कर अंदर लॉक कर दिया था और महिला से बाहर दुष्कर्म की कोशिश करने लगी थी। असफल होने पर महिला के पति का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया और उसे गाड़ी से उतार कर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद महिला से मारपीट करनी शुरू कर दी। उसके गहने, नकदी और मोबाइल लेकर भाई को गाड़ी से उतार कर फरार हो गए, जिसके बाद डायल 112 की मदद से महिला के पति को बस्ती मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां से गोरखपुर ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। ग्राम गुनाहताल, पोस्ट सिहनिया, थाना क्षेत्र बासी, जनपद सिद्धार्थनगर के पीड़िता के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि इनके पति का इलाज इम्पीरिया न्यूरो हॉस्पिटल गाजीपुर थाना क्षेत्र में चल रहा था। कुछ कारणों में ये अपने पति को अपने घर ले जाना चाहती थी। इस दौरान एम्बुलेंस करके घर ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस के चालक और उसके साथी के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई। इसके अलावा इनके जो बीमार पति हैं उनको जो ऑक्सीजन सपोर्ट लगी थी उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, साथ ही इनके पति को भी बाहर भेज दिया गया। इस घटनाक्रम में उनके द्वारा डायल 112 पर फ़ोन किया गया, तो जनपद बस्ती की डायल 112 की फोर्स भी आकर के पूछताछ करते हुए पति के इलाज के लिए इनको गोरखपुर ले जाने के लिए कहा गया, जहां गोरखपुर ले जाने पर इनको इस बात की जानकारी हुई कि इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना के अलावा इनको द्वारा यह बताया गया कि एम्बुलेंस चालक के द्वारा उसमें इनके पास जो पैसे रुपये रखे थे, कुछ गहने थे, उसको भी ले लिया गया है। इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है और इसके साथ ही साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। गुरुदेश के आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई अमल में लाई। वहीं इस मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी के बस्ती जिले में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने एक मरीज को ले जाते समय उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने की कोशिश की, यह अति शर्मनाक है, जबकि उसके पति की मृत्यु हो गई है। सरकार चालक के विरुद्ध सख्ती करे, जो यह बहुत जरूरी है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। यूपी की योगी सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत सबके सामने है। यूपी में अपराधी अभी भी बेलगाम नजर आ रहे हैं और इंसानियत खत्म होती दिखाई दे रही है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।